हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये देखिए पेड़ पौधे सब अच्छे से चल रहे हैं हमारे। धूप हो गया दोस्तों। इधर देखिए कितना मिर्च इसमें लगा है और फ्लावरिंग देखिए ऊपर हो रहा है। इधर सबका नज़ारा देख लीजिए। ये देखिए इसमें टमाटर देखिए दो लगे हैं। अब ये जो दो दो टमाटर लगाए थे संग संग, सब बड़े बड़े हो गए हैं। अलग अलग करके हम इसे लगाएंगे। टाइम नहीं मिला दोस्तों, क्या करें, हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी, आज डिस्चार्ज होके आएंगे घर। सुबह खिचड़ी उचड़ी बना के बेटा लेके गया है, अब उधर सुबह दुकान पे चला जाएगा उन्हें खाना देके। अब बेटी लेके अभी ड्राइवर गया है, गाड़ी से लेके आएगी आएगा। ये देखिए दोस्तों, कल पौधा इसे हम रिपोर्टिंग करने के लिए निकाले थे, बहुत ज़्यादा चींटी था इसीलिए इसे धूप में रख दिए थे। देखिए अगल बगल से इसमें ब्रांच निकल रहा है जो ना, इसे पूरा मिट्टी से यहाँ तक ढकेंगे दूसरी चीज़ में रख के, तो बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा। इसमें एक गोजर निकला था, अभी हम मारे हैं इसको चप्पल से। वीडियो बना रहे थे दोस्तों, आधा बन गया था, उसको टच नहीं करते ना तो कट जाता है, तो फिर दोबारा बना रहे हैं। ये देखिए पौधा, ये भी हमें लग रहा है किसी फ्लावर का, ये पालक नहीं है दोस्तों। इधर देखिए, ये भी देखिए मेरा मूली, और ये देखिए पालक कितने अच्छे से निकल रहा है। इसको घुमा दे, चारों तरफ धूप लगेगा बढ़िया से। ये देखिए सब जर्मिनेट हो गया, भिगो के रखे थे एक दिन, फिर कपड़े में बांध के रखे एक दिन, फिर लगाए थे। और मिर्ची देखिए, इधर सीधी वाली मिर्ची है दोस्तों, कितनी अच्छे से चल रही है। ये हम अपने लिए जीते हैं दोस्तों, गार्डनिंग करते हैं, मेरा हाबी है गार्डनिंग करने का, तो इतना मैं समय निकाल लेती हूँ। इसमें देखिए मिर्ची लदी है अच्छे से। इसी तरह हर महिलाओं को दोस्तों जो हाबी रहे काम करना चाहिए, अपने आप को एकदम निराश नहीं करना चाहिए कि अब मेरा उम्र इतना हो गया है, मैं पहले मैं पढ़ नहीं पाई, ये काम नहीं कर पाई, अब क्या करूँगी, तो एकदम निराशा छोड़कर कदम बढ़ाना चाहिए। हम भी दोस्तों नहीं सोचे थे कि इतने अच्छे अच्छे मेरे दोस्त बन जाएंगे, यूट्यूब के माध्यम से हम इतना ज़्यादा कुछ करने लगेंगे, अलग पहचान मेरी बनेगी। मैं भी एक वीडियो देखती थी मोनिका मैम का था, मोनिका मैम है वो बहुत अच्छे से समझाती है कि इंसान को कुछ ना कुछ अपना करना चाहिए, अपना अलग से पहचान बनाना चाहिए। तो जैसे एक चीज़ सोच के अगर हम बैठे रह जाएं कि अगर मेरे हस्बैंड का तबीयत ही समझ लीजिए ख़राब था, तो हॉस्पिटल गए, ठीक हो गए, दवा ववा हुआ, अच्छे से पानी वानी चढ़ा, सुई वुई लगा, तो अब वहाँ पे हम मोबाइल से बात करते अपने माँ के यहाँ या अपने भाभी के यहाँ कि तबीयत नहीं सही है, कैसे ठीक होगा, तो उसमें तो हमें निराशा ही मिलती दोस्तों। लेकिन देखिए ये पता नहीं गेंदा है क्या है, लेकिन अब हम चले आते हैं छत पे, अपना काम करते हैं, आप लोगों का कमेंट पढ़ते हैं और मन बदला रहता है एकदम से। हमेशा दुख में भी खुशी ढूंढना चाहिए दोस्तों। उसमें देखिए पानी का छिड़काव करेंगे, अभी इसी तरह से रख दिए हैं बस। दुख में भी हमें खुशी ढूंढना चाहिए दोस्तों। ये सब देखिए कल लगाए थे, शाम को आए थे, ये दो टमाटर नीचे खाद बन रहा है, ऊपर से टमाटर लगा दिए हैं, इसमें भी लगाए थे, ये पौधा लगाए हैं, ये देखिए रिपोर्टिंग किए थे, और सब चीज़ अच्छे से चल ही रहा है। सुबह खिचड़ी उचड़ी बना के बेटे के हाथ भेज दिए हैं, कल बनाए थे तो भगोने में अच्छे से नहीं गला था। बेटी कह रही थी कि पेट सही नहीं, पापा खाए थे पेट दुख रहा था, तो दवा लिए तो ठीक हुआ, अच्छे से दाल पका नहीं था दोस्तों, तो आज कुकर में बनाए थे, बर्तन पूरा मजाया नहीं था मेरा, मांजने वाली भी नहीं आ रही है। अब देखिए इस समय वो भी धोखा दे दी, वो जाती है धान बटोरने, धान बटोरती है, जैसे मशीन से जो धान कटता है दोस्तों
वही धान वो लोग बटोरती हैं, तो बटोर के लेके जाती है झाड़ू, वहीं बटोरती है, फिर उसके बाद बोरी में भरती है। तो उसका हस्बैंड या ननद ननद सब जाते हैं, उसकी सास भी जाती है, खाना वाना ले के जाती हैं, तो उसमें ज़्यादा उनकी कमाई हो जाती है। जैसे कि मजदूरी करेंगी तो 200 रुपया मिलेगा उनका रोज का, तो धान तो बहुत ज़्यादा बटोर लेती हैं, कितना बड़ा खेत रहता है दोस्तों, तो अपना कुटवा लेती हैं, तो बोलती है साल भर हम लोग खाते हैं। तो हमें भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मुसीबत में ना बहुत लोग साथ छोड़ देते हैं, ये तो हम जान गए हैं, लेकिन अपने आप को बहुत मजबूत रखना पड़ता है दोस्तों। अगर मजबूत रखेंगे फिर दुख तो आपका पीछा करेगा, लेकिन आपको दुख में भी खुशी ढूंढना चाहिए दोस्तों। ये देखिए मेरे हस्बैंड के लिए ये आया था नारियल का जूस के लिए, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा है, अभी चम्मच से करो कि इसको पानी में मिला देंगे, पौधे में डाल देंगे और इसको काटेंगे और बढ़िया से, तो इसमें प्लांट लगाएंगे। 2 घर पे पिए थे, 1 हॉस्पिटल में पिए थे, बेटी से कह दिए थे कि उसको भी लेते आना, तो वो बोली कि अब यहाँ पर तो छोड़ दीजिए, हम कहा नहीं लेते आना तुम, तो भिजवा दी थी उससे ड्राइवर से, तो लेके आया ड्राइवर। एक देखिए नीचे भी हम रखे हैं, बहुत देखिए हरा कलर का है, और बकरी का दूध आता है दोस्तों, वहाँ पे हम एक झोला भिजवा दिए अपने ड्राइवर से बकरी का लेडी मंगाने के लिए। खाद बहुत अच्छा होता है दोस्तों, एक बार हमें मलेरिया टाइफाइड हुआ था, तो मेरे हस्बैंड बकरी का दूध लाने जाते ना, तो उनसे कहे थे कि लेते आइएगा, तो वो लाए थे, तो बहुत अच्छे से मेरा टमाटर वमाटर फर रहा था, फिर लाएंगे, अब हाथ दिए हैं बोरी, वो बोरियाँ दिए हैं, लाएगा मेरा ड्राइवर शाम को, तो पानी में मिला के तो उस पानी को हम डालेंगे पौधों में अपने। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। आपका कमेंट पढ़ने में मुझे देर हो जा रहा है, इसलिए आप लोग नाराज़ मत होइएगा, लेकिन कमेंट सबका रिप्लाई हम देंगे दोस्तों।